क्या हाल चाल आप लोगों के। मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए आज एक नई वीडियो, जिसके अंदर बात करने वाला हूँ Realme 10 4G के अंदर आए हुए नए Realme UI 4.0 का अपडेट आ चुका है, जिसके अंदर Android 13 भी साथ साथ में आया है। तो 4.94 GB का ये अपडेट आया है। तो चलिए इस अपडेट को मैं डाउनलोड करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या नई चीजें इसके अंदर हमें मिल जाती है, कैसा बैटरी परफॉर्मेंस रहता है, सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स गेट बिगिन। चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो अपडेट देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। एंड यहाँ पर ये लीजिए, ये अपना फ़ोन आ गया। अबाउट डिवाइस एंड हियर इट इज। सो ये आप चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वर्जन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इसको डाउनलोड पर लगा देता हूँ। ओके, डाउनलोडिंग भी हो रहा है गाइस, एक्सट्रैक्टिंग शुरू हो गया। सो ये अपने आप ही आगे चलता है। तो जैसे ही एक्सट्रैक्ट होता है, इसके आगे की क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। सो डाउनलोड हो गया है आपके सामने Realme 10 के अंदर। मैंने इस अपडेट को डाउनलोड कर दिया है, देख सकते हो आप लोग। सो कम ऑन, मैं इसको अब इंस्टॉल कर लेता हूं और फिर उसके बाद दिखाता हूं क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, क्योंकि Realme UI 3.0 हमने सबने देखा हुआ है। सो लेट्स सी Realme UI 4.0 के अंदर, Realme 10 के अंदर हमको क्या क्या चीजें दी है या कोई भी फीचर मिसिंग है या नहीं है। तो अब ये इंस्टॉलिंग शुरू हो चुकी है इसकी, तो अभी तो काली स्क्रीन आ गई है। आपके सामने वीडियो बन रही है, अगर ये फूकता है तो Realme की जिम्मेदारी। वैसे तो फोन वाइब्रेट हो चुका है और ये शुरू हो गया है, तो अब इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही अपडेट इंस्टॉल हो जाता है। सो अपडेट मैंने इसको कर दिया है, इंस्टॉल ये हो चुका है और देखते हैं हमको अपडेट के बाद इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो रियल में हमको बताता है इसके अंदर कुछ, इसने एनिमेशन 4.0 वगैरह डाला है, UI इम्प्रूव किया है और काफ़ी सारे लेआउट्स को चेंज किया है। एंड्रॉयड 13 दोस्तों, ये मैं बताना भूल गया था, एंड्रॉयड 13 भी इस फोन के अंदर आ चुका है। सो काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। अब ये सब तो मैं बाद में पढ़कर ही आप लोगों को बताऊंगा। और सबसे मस्त चीज़ मुझे जो लगी, ये इनका जो नोटिफिकेशन सेंटर है, तो ये अपडेट हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्मूथ भी हो गया है फ़ोन। वैसे अपडेट जस्ट करने के बाद काफ़ी देर तक तो ये लैग ही खाता रहा था। सो काफ़ी सही चल रहा है और फ़ोन जो है अब आ चुका है Realme UI 4.0 के अंदर, Android 13 इसके अंदर आ चुका है। अब इसके अंदर जो कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है तो वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल वीडियोस बना के, क्योंकि हाथों हाथों चेक होता नहीं है। चार्जिंग, बैटरी बैकअप, डिस्प्ले वगैरह, कैसे कुछ चेंज हुआ है, चार्जिंग फास्ट हुई है या स्लो हुई है, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। सो इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल के ऊपर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे साथ जुड़ जाइए, बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई है, तो वो इस वीडियो के बाद आपको उसकी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो पहले मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। सो आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। बाय।